जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जी का अनंतम शुक्राना जो आप अपने सामने बिठा कर शिवपुराण की सेवा रोज़ाना ले रहे हैं और इसे सुनकर संगत तक पहुंचाने की कृपालता कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी। अगला अध्याय शुरू। संध्या की आत्म आहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता, तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधा अतिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहाँ नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडाश की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि अतिथि को तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। मुने उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर्षि यज्ञ को समाप्त करके कृत कृत्य होवे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि सात परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुईं। मुने मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है।
जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्रोध शोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार, सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था, अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणि ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभो, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारम्बार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता ना मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मुँह में ना डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिनी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते मैंने भक्तिभाव से उन भगवान श्रीहरि का स्मरण किया जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थीं, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्त्रोत को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधाता, लोक सत्रिष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो, बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से ये स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वे सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा, इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक सत्रिष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूँ बोले, विधाता,
तुम मेरा वचन सुनो, ये तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता पालक और हर्ता संहारक हैं। वे ही परा तत्पर हैं, पर ब्रह्मा परेश निर्गुण नित्य अनिर्देशे निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुण से परे माया से ही भेदयुक्त प्रतीत होने वाले निरी माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आत्मा अनंत स्वरूप निर्विकल्प आत्मा राम निर्द्वंद भक्त परवश सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी नित्य योग परायण योग मार्गदर्शक गर्वहारी लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, सर्वात्मना शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में ये विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करें तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्तिभाव से प्रयत्नपूर्वक तपस्या करें। तात, शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पर ब्रह्मा स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे, भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए, वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा, वह समस्त गुणों का दृष्टा निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं तथापि विशेषता रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी तीन रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो इन श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती हैं। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा, सती उमा का पूर्ण रूप होंगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर्धान हो गए और हम दोनों सुख पूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्राह्मण, समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। प्रजेश्वर, अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो, इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तम तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते,
कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदनंतर यम नियम आदि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगनमयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे चार भुजाओं से युक्त थीं और हाथों में वरद, अभय, नील कमल और खड़ग धारण किए हुए थीं। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचना बलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामय जगदीशे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आधे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगन माए आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने संयत चित वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया, तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदय नहीं है। जगदम्बा की ये बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामाए, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्दत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का ये वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यों बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्दत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से ही तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं। अनग, मैं अत्यंत दुस्सहे तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँ। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा ये कथन सत्य है। प्रजापते, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें ये वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गईं। दुर्गा जी के
अंतर्धान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और ये सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जी का अनंतम शुक्राना, जो आप अपने सामने बिठा कर शिवपुराण की